सनी जी, हमारी बातों से कहीं उनको शक तो नहीं हो क्या? नहीं नहीं पीतू जी, अगर उन्हें ऐसा कुछ लगा होता तो उन्होंने पूछ लिया होता। आपने देखा नहीं, उन्होंने सिर्फ वही पूछा जो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा। नहीं नहीं, चलिए पीतू जी, हम तैयार हो जाते हैं, आइए। सिमरन क्यों नहीं आई? आज आएगी बस। राजवीर कहाँ है? वो सिमरन के साथ ही आएंगे ना। ध्रुव जीजू, आप राजवीर से कोऑर्डिनेट करने वाले थे ना, कहाँ है? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, अभी आ जाएगा। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हो अभी तक? अरे अरे, हम लोग टीम है सिमरन, हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया, अब टीम है तो साथ भी अंदर ही जाएंगे ना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रितु, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फंक्शन होने वाला है। पता नहीं मिता दी, हम लोग तो सैंपल ही दिखाने आए हैं यहाँ पेपर। लेकिन ये एक बात समझ नहीं आई मुझे, ये ऐसे इतने सारे मॉडल्स को लेकर आई है? आप प्रीतो, मुझे लगता है कि यहाँ पे रैंप शो होने वाला है। रैंप शो? अरे ऐसे कैसे रैंप शो? हाँ, हम लोग तो कोई मॉडल लेकर नहीं आए। काम करती हूँ मैं जयसवाल जी से आके बात करती हूँ। कुछ हो पाएगा तो ठीक है, दो बजों का। Excuse me, sir. Yes. Sir, आप वो शो में हमें सेकंड नंबर पर रख सकते हैं? वो क्या है ना, हमें लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, लेकिन जरा जल्दी करना, शो बस शुरू ही होने वाला है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लड़कियों की बात है। लेकिन सुई धागा कहाँ है? वो मेरे पास है। लेकिन प्रीतो, सुई धागा क्यों? ओहो, मीता दी बहुत सवाल पूछती है, चल बताती हूँ। कपड़े। अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है पक्का। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भौजी, रुको। सॉरी भौजी। जीजू, जीजू। मैं नहीं।
कैसा लगा सर आपको? Well, these designs are quite good. मुझे कलर्स और पैटर्न्स दोनों ही पसंद आए. अब मैं दूसरे डिजाइनर्स के डिजाइन देखना चाहूंगा. ओके. प्रीतो एंड सिमरन, आपका शो बहुत अच्छा था, क्वाइट एंटरटेनिंग. लेकिन आपने अपने डिजाइन्स के लिए प्रोफेशनल मॉडल्स का यूज क्यों नहीं किया? अगर आप ऐसा करते तो शायद आपके कपड़ों का इंप्रेशन और अच्छा पड़ता. इस प्रोग्राम मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. अरे जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो, अरे कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है. कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लेटा दो, अरे बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है. बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. जिसकी बीवी कोरी उसका भी बड़ा नाम है, कमरे में बैठा लो, अरे कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. अरे जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बैठा लो, अरे गोद में बैठा लो बच्चे का क्या काम है. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. अरे मेरे अंगने में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. सर, आप लोगों ने दोनों डिजाइनर्स के डिजाइन्स देखे, कैसे लगे आपको? और आप दोनों डिजाइनर से कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं सर. या मुझे सिमरन और प्रीतो से कुछ पूछना है. सिमरन, प्रीतो, प्लीज. आपका शो बहुत अच्छा था, क्वाइट एंटरटेनिंग. लेकिन आपने अपने डिजाइन्स के लिए प्रोफेशनल मॉडल्स का यूज क्यों नहीं किया? अगर आप ऐसा करते तो शायद आपके कपड़ों का इंप्रेशन और अच्छा पड़ता. दुल्हन तो किसी भी तरह की हो सकती है ना, लंबी पतली छोटी मोटी गोरी काली किसी भी तरह की. तो हमने उन सबको ध्यान में रखकर अपने डिजाइन तैयार किए ताकि कोई भी दुल्हन हमारी डिजाइन पहने वो सुंदर ही लगे. और आपने ये सब मैनेज कैसे किया? एक्चुअली मैम, हमने अपनी हर ड्रेस में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है. एक्स्ट्रा मार्जिन? सर, अक्सर देखा गया है कि लड़कियां जो होती है ना, अपनी शादी की खुशी में थोड़ी सी भूल जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है. सर, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने अपने कपड़ों में दिया है उसकी वजह से वो अपनी फिटिंग के हिसाब से कपड़ों को कैसे भी पहन सकती है. इसलिए डिजाइन हमारे हाथ में और फिटिंग दुल्हन के हाथ में. वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड. आपका काम और सोच दोनों क्रिएटिव है. हम अपना डिसीजन एक इंटरनल डिस्कशन के बाद बता देंगे. वेल, थैंक यू सर. क्लाइंट हमें अपने डिसीजंस कुछ समय में बता देंगे. जैसे वो हमें अपने डिसीजंस देंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे. वैसे फिलहाल आप सब लोग जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पापा!
बाबू ने तो कमाल कर दिया है, मेरे अंगने में क्या बात है। सच बाबू जी, हमने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम सब खुद मॉडल बन के रैंप वॉक करेंगे, मजा आ गया। बाबू जी मेरे तो बचपन का सपना ही पूरा हो गया, बाबू जी मैं मॉडल बन गया मैं। तुम्हें क्या लगता है इस तरह रैंप पर नौटंकी करके तुम ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाओगी? हमें लगता ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा ही होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। ओ ठन्नी चवन्नी, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलती चली जाओगी। वो क्या है ना, शायद बेचारियों से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज गेट अ साइड, लस्सी भी लीजिएगा। हमारी और राइट में ना कॉर्नर पे बैठा हुआ है। अच्छा अभी हमें क्या करना है? अभी हमें और कुछ नहीं करना है, बस अभी घर जाना है और इस फोन का इंतजार करना है। चले आज मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये सारी बुराइयां देखने के बाद ही मुझे सिमरन की अच्छाइयां नजर आने लगी। मेरा शुक्र है तुम्हारे साथ रहकर अच्छाइयों से मेरा भरोसा नहीं होता। सिमरन जी तो पार्टी बाद में देंगे, उससे पहले मैं आप सब लोगों को टी पार्टी देता हूं। और हाँ, गरम गरम पकौड़ों के साथ। यस पार्टी हो गई। और बल्ले बल्ले मैं कहीं ये दूसरा दौड़ी। चाहिए क्या? हाँ, मेरे कुछ सवालों के जवाब। राजपूत मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। मैं यहाँ तुमसे जुड़ा कोई सवाल पूछने नहीं आया, मुझे सिमरन से जुड़े कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। इतना मांगा तुमने नीलम आंटी से उस बुटीक के लिए? बोलो क्या कीमत लगाई है तुमने अपने झूठे साथ और अपने पन की? सिमरन को अपना दोस्त बोल बोल कर उस बुटीक का हिस्सा बन गया, और अब जो वो बुटीक एस्टैब्लिश हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तुम उसे बेचकर उसमें से अपना हिस्सा चाहती हो। तुम जानती हो मीता जी की शादी की सिमरन उस कॉन्ट्रैक्ट में से अपना पूरा शेयर तुम्हें देना चाहती है, और तुम उसके साथ, तुम शर्म भी नहीं ऐसा करते हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो उस बुटीक के साथ सिमरन के कितने सपने जुड़े, इमोशन जुड़े उसके साथ। उस बुटीक के साथ मेरी भी मेहनत जुड़ी, मेरा भी टैलेंट जुड़ा है। मैंने इतना टाइम उस बुटीक में लगाया, लेकिन अब टाइम आ गया है जब उसका प्रॉफिट मुझे मिले। क्या लगता है आपको हा? कि सिमरन मुझ पर दया कर मुझे ये जो शेयर है वो दे रही है? वो समझदार,
वो जानती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे दम पर मिला है। कॉन्ट्रैक्ट मेरी मेहनत का फल है और ये सब मैं मेरी मीता जी की शादी के लिए नहीं कर रही, नहीं किसी और के लिए, ये सब मैं मेरे लिए कर रही हूँ, ये सब मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, अपने आगे आने वाले करियर के लिए कर रही, कभी अपने फायदे के लिए अपनों का फायदा उठाया। बस अब एक शब्द नहीं सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से। तुम अपने फायदे के अपनी दोस्त से अपनी बहन मीता इन दोनों का इस्तेमाल कर रही हो। आज तुम्हारा ये रूप मेरे सामने पहले आ गया होता, लेकिन आज तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये सारी बुराइयां देखने के बाद ही मुझे सिमरन की अच्छाइयां नजर आने लगी। लेकिन शुक्र है तुम्हारे साथ रहकर अच्छाइयों से मेरा भरोसा नहीं उठा। क्या हुआ प्रीतु, खुद को देखकर हैरान है और मैं तुझे देखकर हैरान। क्या हुआ, तुझे तो खुश होना चाहिए, हमेशा से तो यही चाहती थी कि राज फिर तुझसे नफरत करने लगे, और देख वही तो हो रहा है आज। तो फिर इन आंसुओं की क्या वजह है, कहीं इसलिए तो नहीं कि राजवीर से दूर जाने का दुख है तुझे, या इसलिए कि तू आज भी राजवीर को भूल नहीं पाई? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, राजवीर और सिमरन को साथ देकर मैं बहुत खुश हूँ। झूठ, सारी दुनिया से झूठ बोल सकती है प्रीतो, लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोलेगी? तू राजवीर से प्यार नहीं करती? जवाब दे प्रीतो, बोल, राजवीर के बिना खुश रह पाएगी? बोल प्रीतो। नहीं, वो सिमरन का प्यार है, सिमरन राजवीर से प्यार करती है, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, वो लोग हमेशा साथ में खुश रहेंगे। मैं राजवीर और मैं कभी नहीं, सिमरन ही राजवीर का प्यार है। और राजवीर का क्या, राजवीर सिमरन से प्यार कर पाएगा? हाँ, क्या वो उसे प्यार कर पाएगा जो उसने तुझसे किया? नहीं प्रीतो, वो सिमरन से वो प्यार कभी नहीं कर पाएगा। वो उसके पास जाने की वजह ढूंढ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि तूने उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी है। लेकिन राजवीर का पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ प्रीतो तू है, सिमरन नहीं। लेकिन मैं और फिर कभी एक नहीं हो सकती इस जन्म में, तो बिल्कुल नहीं। प्रीतो, जोड़ियां ऊपर रब बनाता है, उसके काम में दखलंदाजी मत कर। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का प्यार हो, किसी और का नहीं। जा प्रीतो जा, इससे पहले बहुत देर हो जाए, उससे जाके कह दे उससे अपने मन की बात। प्रीतो जा, तू उससे बहुत प्यार करती है और जैसा वो सोच रहा है वैसी तू नहीं है। अगर आज तूने उसे अपने मन की बात नहीं कही तो वो और सिमरन साथ हो जाएंगे, सिमरन से उसकी शादी हो जाएगी, और फिर और शादी के बाद अगर राजवीर सिमरन को वो प्यार नहीं दे पाया जो उसे अपनी पत्नी को देना चाहिए, फिर क्या प्रीतो? एक नहीं, दो नहीं, चार जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी प्रीतो। ज
जिस तरह तू और सनी जी के साथ अपनी शादी का बोझ ढो रही है, उसी तरह राजवीर का और सिमरन भी अपनी शादी का बोझ ढोएंगे। जा प्रीतो, जा जा, इंतजार किस बात का? प्रीतो जाके कह दे राजवीर को कि तू उससे बहुत प्यार करती है। सब कुछ सच सच बताना होगा।